भी नाजरीन के साथ शेयर करूंगी। शेख रशीद और सिराजुल हक को ओहदों से हटाने की दरखास्त है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस से पहले से दरखास्तें जो दायर हुई हैं उनका रिकॉर्ड तलब कर ली है। आपकी दो पिटिशन्स हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अदालत ने कहा है लाहौर हाईकोर्ट ने समाप्त को गैरमुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। आपकी दो पिटिशन मदद करना चाहते हैं, ये कहा गया अदालत की जानिब से। अब्दुल रहमान मजीद डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन शेख रशीद के अलावा शेख रशीद और सिराजुल हक को ओहदों से हटाने की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस से पहले से दायर दरखास्तों का रिकॉर्ड तलब करते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपने दो पिटिशन क्यों दायर की है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। जिस पर दरखास्त गुजार की जानब से आगाह किया गया कि एक दरखास्त मैंने अपनी तरफ से दायर की है और दूसरी दरखास्त क्लाइंट की तरफ से दायर की है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने अफाक अहमद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान।